Hello students, today I will discuss about the types of adsorption. In the previous lecture, I have already discussed about what is adsorption, what is absorption, clear? What is sorption, what is desorption. So, adsorption means what? Jata gote substance, out substance ro surface upare rahuchi. Bujhipala, jata eta manakar gote substance, eta out substance. To agar ei substance ta ro surface upare, jata out substance rahuchi. To ei process ta kon kahanti? Adsorption. क्लियर तो एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन सरफेस फेनोमेनन माने सरफेस ऊपर तुम्हार एटा हला एडसॉर्बेंट एटा कोन एडसॉर्बेंट तो एडसॉर्बेंट रे एडसॉर्बेंटा पसुजी दैट मींस तुम्हार एडसॉर्बेंटटा एडसॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर रहुजी बा सरफेस ऊपर एडसॉर्ब होउजी क्लियर तो तुम्हार एडसॉर्प्शन रे दुटा टर्म थिला गोटे थिला एडसॉर्बेंट आ गोटे कोन एडसॉर्बेंट तो एडसॉर्बेंटटा कोन द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एडसॉर्ब जोडा तुम्हार एडसॉर्ब होउजी दैट इज योर एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेंट माने जे एडसॉर्ब करूजी बुझिपाल जे एडसॉर्ब करूजी दैट इज योर एडसॉर्बेंट क्लियर तापर देखिया टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन तो एडसॉर्प्शन तुम्हारा टू टाइप्स गोटे कौन पॉजिटिव एडसॉर्प्शन आ गोटे कौन नेगेटिव एडसॉर्प्शन तो डिफरेंस टा डायरेक्ट करूजी पॉजिटिव एडसॉर्प्शन नेगेटिव एडसॉर्प्शन क्लियर तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन माने देखो एडा मन करो उटा एडसॉर्बेंट रो सरफेस क्लियर एडा तमरा कोन गोटा एडसॉर्बेंट रो सरफेस एडा कोन दिस इज द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट तो एडसॉर्बेंट रे के बसु जी एडसॉर्बेंट बसु जी एडा एडसॉर्बेंट दिस इज योर एडसॉर्बेंट पशु दैट मीन्स ए एडसॉर्बेंट दिस इज द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल गुड़ा तुम्हारा एडसॉर्ब हो जाते बुझा पड़ा ना तो सी कहूँ जदि तुम एडसॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर जदि तुम अधिका अमाउंट रो एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब हैला दैट इज योर पॉजिटिव एडसॉर्प्शन बुझा पड़ा जदि तुम एडसॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर जदि तुम अधिका परिमाण रो अधिका अमाउंट रो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल एटा एडसॉर्ब हैला दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट इज मोर दैट इज योर पॉजिटिव एडसॉर्प्शन नेगेटिव एडसॉर्प्शन रे कोन कहूजी जदि तुम एडसॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर जदि तुम कम अमाउंट रो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हैला दैट इज योर नेगेटिव एडसॉर्प्शन क्लियर दैट मीन्स पॉजिटिव एडसॉर्प्शन केस रे कोन हबो कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट बा सॉल्यूट इज मोर एडसॉर्बेंट का कौन नौ कौन सॉल्यूट एडसॉर्बेंट इज कौन सिमिलर टू सॉल्यूट एडसॉर्बेंट इज इक्वल टू सॉल्वेंट तो एडसॉर्बेंट रो अमाउंट अधिका दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर क्लियर तो तुम्हारा पॉजिटिव एडसॉर्प्शन केस रे कौन कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट और सॉल्यूट इज मोर नेगेटिव एडसॉर्प्शन केस रे द कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट और सॉल्यूट इज लेस ए दुटा डिफरेंस अबाउट पॉजिटिव एडसॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन तो लिख इफ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कैसे लिख इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट बी ए टी एडसॉर्बेंट ब्रैकेट लिख सॉल्यूट ब्रैकेट लिख सॉल्यूट इज मोर एट द सरफेस इज मोर एट द सरफेस दैन इन द बल्क सच एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज सच एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन सच एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन नेगेटिव एडसॉर्प्शन को वर्तमान आस तो नेगेटिव एडसॉर्प्शन केस रे कौन रहिबो खाली जहाँ कौन करदेव कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेंट बा सॉल्यूट इज लेस कर दियो मोर जगह लेस करो मोर जगह लेस कर दियो तब लिखो सच एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एडसॉर्प्शन क्लियर मोर जगह खाली जहाँ लेस कर दियो क्लियर तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एडसॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन एटा तुम क्लासीफाई केमती करन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल तो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूलटा केते अमाउंट रो एडसॉर्ब होउजी तो सेइडा को फॉलो करिकी तुम एडसॉर्प्शन एटा को क्लासीफाई करा जाइछ क्लियर
তারপর দেখো এবার দেখো অন দ্য বেসিস অফ ফোর্স অফ আট্রাকশন বিটুইন আডজর্বেন্ট এন্ড আডজর্বেড তো আডজর্বেন্ট দেখো আডজর্বেন্ট আউ আডজর্বেড তো আমি আডজর্বেন্ট আউ আডজর্বেড ভিতরে কিছু ফোর্স অফ আট্রাকশন আছে নহলে কেমন আডজর্ব হয়ে যাতে তো আডজর্বেন্ট আউ আডজর্বেড ভিতরে ফোর্স অফ আট্রাকশন আছে তো এবে দেখিবা কোন ফোর্স অফ আট্রাকশন কু ফলো করি দেখিবা আডজর্বশন তোমার কেতে প্রকার ক্লিয়ার তো লেখ বেসিং অন দ্য নেচার অফ ফোর্সেস নেচার অফ ফোর্সেস এক্সিস্টিং বিটুইন আডজর্বেড অ্যান্ড আডজর্বেন্ট দ্য প্রসেস অফ আডজর্বশন ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ টু টাইপস গোটে হল কোণ কোণ ফিজিক্যাল আডজর্বশন আর গোটে হল ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইয়র ফিজিক্যাল আডজর্বশন সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইয়র কেমিক্যাল আডজর্বশন তো তোমার আডজর্বেন্ট আর আডজর্বেড মলিকুল ভিতরে যে ফোর্স অফ আট্রাকশন আছে তাকে ফলো করি তোমার আডজর্বশন দুই প্রকার গোটা হল ফিজিক্যাল আডজর্বশন আর গোটা হল কোন কেমিক্যাল আডজর্বশন তো তোমার কাউন্সিল এক্সামে এটা ডিফরেন্স আছে তিন মার্কর ডিফরেন্স বিটুইন ফিজিক্যাল আডজর্বশন অ্যান্ড কেমিক্যাল আডজর্বশন বা আমি শর্ট নোট আছে দুই মার্কের কোশ্চিনে রাইট এ নোটস অন ফিজিক্যাল আডজর্বশন কিংবা রাইট এ নোটস অন কেমিক্যাল আডজর্বশন ক্লিয়ার তো ডিফরেন্সটা ম্যাক্সিমাম টাইম আছে ফিজিক্যাল আডজর্বশন আর কেমিক্যাল আডজর্বশন ভিতরে তো ফার্স্ট এবার দেখি হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল আডজর্বশন ক্লিয়ার তো ফিজিক্যাল আডজর্বশনরে সে কইছি যদি তোমার এটা মনে কর আডজর্বেড সে কইছি আডজর্বেড আর আডজর্বেড ভিতরে যদি তোমার ফোর্স অফ আট্রাকশনটা তোমার যদি কোন উইক থিব বুঝবার নাই আডজর্বেড আর আডজর্বেড ভিতরে যদি তোমার ফোর্স অফ আট্রাকশনটা উইক থিব তাও কোন কইব ফিজিক্যাল আডজর্বশন যদি তোমার আডজর্বেড আর আডজর্বেড ভিতরে ফোর্স অফ আট্রাকশনটা তোমার কোন স্ট্রং থিব বুঝিপারল ফোর্স অফ আট্রাকশনটা স্ট্রং থিলে তাকে কোন কহিব কেমিক্যাল আডজর্বশন ক্লিয়ার তো এই ভিতরে তো ফিজিক্যাল আডজর্বশন কু আউ কোন কহতি ভ্যানডারওয়ালস আডজর্বশন ক্লিয়ার ফিজিক্যাল আডজর্বশন ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ ভ্যানডারওয়ালস আডজর্বশন সেইভাবে কেমিক্যাল আডজর্বশন ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ কোভ্যালেন্ট আডজর্বশন বা ল্যাংমুইর আডজর্বশন ক্লিয়ার তো তোমার কোন পাই ফিজিক্যাল আডজর্বশন কু কোন পাই সে কহিলা ভ্যানডারওয়ালস আডজর্বশন তো কোণ কইছি তো আমি জানি যেত ভ্যানডারওয়ালস কো কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টর যেত পড়ি দুইটা বন্ডিং লা কোভ্যালেন্ট বন্ডিং লা আর গোটে তোমার কোণ ভ্যানডারওয়ালস বন্ডিং লা বুঝিপার না তো যেত কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মেসন হোলা কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মেসন হোলা মানে কোণ ওভল পরস্পর ভিতরে কোণ এটা গোটা আটম এটা গোটা আটম তো ওভরল্যাপ হোলে বুঝবে না এটা গোটা আটম এটা গোটা আটম তো দুইটা আটম পরস্পর ভিতরে কোণ ওভরল্যাপিং হোলা তো ওভরল্যাপিং হোলা মানে কোণ ফোর্স অফ আট্রাকশনটা কোণ স্ট্রং হন না তো এই এটা তোমার কোণ কো বন্ড ফর্মেসন হব কোভ্যালেন্ট বন্ড বা কেমিক্যাল বন্ড ফর্মেসন হব এইটা দেখা যাচ্ছে কেমিক্যাল আডজর্বশন কেসরে যেহেতু তোমার কেমিক্যাল আডজর্বশন কেসরে কোণ কইছি তোমার আডজর্বেড আডজর্বেড ভিতরে ফোর্স অফ আট্রাকশনটা স্ট্রং তো এটা সেমি দুইটা আটম ভিতরে ফোর্স অফ আট্রাকশনটা স্ট্রং তো এটা কেমিক্যাল বন্ডিং এতে কেমিক্যাল আডজর্বশন কেসরে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মেসন হব সেইভাবে আর গোটে লা ভ্যানডারওয়ালস বন্ডিং তো তোমার কোণ এটা গোটা আটম আর গোটা আটম বুঝিপারল তো এইটা গোটা আটম এই গোটা আটম সহ বন্ড ফর্মেসন করিব তো এই আটম কোণ ডিষ্টান্সে রোজি তো ডিষ্টান্সে রোজি মানে কোণ ফোর্স অফ আট্রাকশন উইক তো ফোর্স অফ আট্রাকশনটা উইক হলে তোমার কোণ ভ্যানডারওয়ালস বন্ড হুয়ে তো এই কেসরে ফিজিক্যাল আডজর্বশন কেসরে তোমার আডজর্বেন্ট আর আডজর্বেন্ট ভিতরে ফোর্স অফ আট্রাকশনটা উইক তো এটা কেউ বন্ড ফর্মেসন হব ভ্যানডারওয়ালস বন্ড ফর্মেসন হব জাঁপারল তো যেগুটে ফোর্স অফ আট্রাকশনটা উইক ভ্যানডারওয়ালস বন্ড ফর্মেসন হব যেগুটে ফোর্স অফ আট্রাকশনটা স্ট্রং তোমার কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মেসন হব বা কেমিক্যাল বন্ড ফর্মেসন হব ক্লিয়ার তো ফার্স্ট ডিফরেন্স লেখ ইফ ফোর্স অফ ফিজিক্যাল আডজর্বশন কেসে লেখ ইফ ফোর্স অফ আট্রাকশন ইজ উইক বিটুইন দ্য আডজর্বেন্ট অ্যান্ড আডজর্বেড
between the adsorbent and adsorbate called as physical adsorption, called as physical adsorption. Clear? सही भाला लिखिवा chemical adsorption कौन लिखिवा? If the force of attraction between, if the force of attraction between adsorbent and adsorbate is strong. बात हमें लिखी जो cool language. If force of attraction is strong between adsorbent and adsorbate is called as chemical adsorption. तो ये कौन है ला? Force of attraction. Force of attraction weak. Force of attraction strong. First point clear. Second point. तो फिजिकल एडसॉर्प्शन केस रे को बॉन्ड फॉर्मेशन हो जी वैन डर वाल्स बॉन्ड त लिखियो वैन डर वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन वैन डर वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन एई केस रे कोन लिखियो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जी केमिकल एडसॉर्प्शन केस रे लिखियो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन covalent bond formation second point clear tapra third point dekho physical adsorption is also called as physisorption third point likho physical adsorption is also called as it is also called as physisorption it is also called as physisorption सेमि केमिकल एडसॉर्प्शन टाक जॉइंट करो केमिकल प्लस एडसॉर्प्शन कौन है केमिसॉर्प्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिसॉर्प्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन तो फिजिसॉर्प्शन माने बुझियो जे फिजिकल एडसॉर्प्शन एमे दे आसीबो डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन दैट मींस डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन तो फिजिकल एडसॉर्प्शन आल्सो कॉल्ड एज फिजिसॉर्प्शन और वैन डर वाल्स एडसॉर्प्शन और वैन डर वाल्स एडसॉर्प्शन जेते वैन डर वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन हो जे एटा कोन कहली वैन डर वाल्स एडसॉर्प्शन वैन डर वाल्स एडसॉर्प्शन से भलिया केमिसॉर्प्शन को आ कोन कह जाय लैंगमुइर एडसॉर्प्शन लैंगमुइर एडसॉर्प्शन तो लैंगमुइर कोन गोटे जने साइंटिस्ट को ना रे तो लैंगमुइर एडसॉर्प्शन हम पर पढिया व्हाट इज लैंगमुइर एडसॉर्प्शन तीन टा पॉइंट पढला चार नंबर पॉइंट देखो फिजिसॉर्प्शन केस रे देखो तो फिजिसॉर्प्शन हम पढले कोन एडसॉर्बेंट आ एडसॉर्बेट भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तमार वीक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डा वीक माने कोन कम एनर्जी रिलीज हबो एई केस रे कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डा स्ट्रांग स्ट्रांग माने एडा कोन अधिक एनर्जी रिलीज हबो तो एई केस रे कोन लिखबो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड एई केस रे लिख कोन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड तो लेस एनर्जी कोन पे रिलीज होजी जेहेतु माने को भितरे एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेट भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डा वीक तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड चार नंबर पॉइंट यार केमिसॉर्प्शन कैसे कौन लिखो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड क्लियर तो कम अमाउंट रो एनर्जी रिलीज हो जी दैट मींस तुम्हारा एक केस रे फिजिसॉर्प्शन केस रे हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो बुझे ना हीट ऑफ एडसॉर्प्शन माने कौन हीट ऑफ एडसॉर्प्शन तो से कोई जत गोटे एडसॉर्बेंट रो सरफेस ऊपर गोटे मोल रो एडसॉर्बेट जते एडसॉर्ब हेला परे जति की एनर्जी रिलीज करिवो बुझ पाला 20 किलो जूल 30 किलो जूल जति की एनर्जी रिलीज गोला दैट इज द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्लियर तो एई केस रे कम एनर्जी रिलीज हो जी तो एई केस रे कोन हीट ऑफ एडसॉर्प्शन डा लो हबो केमिसॉर्प्शन केस रे हीट ऑफ एडसॉर्प्शन डा मोर हबो क्लियर तो लेखो नेक्स्ट पॉइंट एट रे लेखो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो सेड्रे चार नंबर पॉइंट लिख हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो दैट इज
लाइज बिटवीन माने को केतिक रेंज भीतर एनर्जी रिलीज करियो लाइज बिटवीन 20 टू 40 किलो जूल पर मोल से भला एक केसरे अधिका हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कोन मोर तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन एक केसरे के थबो 40 टू 400 किलो जूल पर मोल तो मोर एनर्जी इज रिलीज तो लिखो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज मोर दैट इज लाइज बिटवीन फोर्टी टू फोर हंड्रेड किलो जूल पर मोल बुझिपाल तो यही केस फिज अब्सन केस कौन हम जिते गोटे आर्जरबेंट सरफेस जिते गोटे मोल आर्जरबेंट आर्जर हम से कौन कोड़े रू चालीस किलो जूल हिट एनर्जी रिलीज हम केमिज अब्सन केस गोटे आर्जरबेंट सरफेस तुम एक मोल आर्जरबेंटा आर्जर हम के एनर्जी रिलीज हम चालीस रू चार किलो जूल एनर्जी रिलीज हम क्लीयर तप नेक्स्ट देख नेक्स्ट पॉइंट पाँच नंबर पॉइंट देख से कह फिजिज अब्सनटा गोटे कौन रिभर्सिबुल प्रोसेस फिजिज अब्सनटा कौन गोटे रिभर्सिबुल प्रोसेस इट इज ए रिभर्सिबुल प्रोसेस रिभर्सिबुल प्रोसेस केमिज अब्सनटा इरिभर्सिबुल प्रोसेस इट इज आन इरिभर्सिबुल प्रोसेस इरिभर्सिबुल प्रोसेस तो से कह फिजिज अब्सनटा कौन पाई गोटे रिभर्सिबुल प्रोसेस आम जानते फिजिज अब्सन कौन आर्जरबेंट आर्जरबेंट भितर फोर्स अफ आट्राक्शनटा विक् बुझिपाल फोर्स अफ आट्राक्शनटा विक् मैंने जितेबाला तुम मन कर आर्जरबेंट्र सरफेस आर्जरबेंटा आर्जर्व है तो फोर्स अफ आट्राक्शनटा विक् विक् मीनस तुम कौन आम या सहजे कौन रिमुव कर फोर्स अफ आट्राक्शनटा विक् मैंने कौन सहजे रिमुव कर तो यही केस केमिज अब्सन केस कौन फोर्स अफ आट्राक्शनटा स्ट्रंग तो यही तुम आर्जरबेंट्र सरफेस आर्जरबेंटा रिमुव करवाटा कौन सहज हेनी क्लीअर तो सहज हेनी मान मेन हेनी मीनस तुम इ रिभर्सिबुल प्रोसेस तो रिभर्सिबुल प्रोसेस देख जिते तुम जेकोसी सरफेस जिते व्टरटा आर्जर्व हो जाए जेको सरफेस मन कर व्टरटा आर्जर्व है व्टर तो कौन फोर्स अफ आट्राक्शनटा विक् तो आम हिट देव मैंने कौन हम व्टरटा तुम कौन एभापोरेट हो ना हेनी तो ये कौन रिभर्सिबुल प्रोसेस हो बुझाला ना बुझा बोलानी तो इट इज ए रिभर्सिबुल प्रोसेस इट इज एन इरिभर्सिबुल प्रोसेस नेक्स्ट पॉइंट देख इट इनवल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इट इनवल्व पांच नंबर लिख इट इनवल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेयर तो फिजिज ऑप्शन कौन हुए मल्टीलेयर फॉर्मेशन हुए इट इनवल्व लिख नेक्स्ट पॉइंट इट इनवल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इट इनवल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेयर मीन्स मोर देन वन मल्टी मैंने कौन मोर देन वन तो फिजिज अब्सन केस कौन हम तुम मल्टीलेयर फॉर्मेशन हम मैंने फिजिज अब्सन केस तुम लेयर टू लेयर एडसॉर्प्शन हम बुझिपाल ना फिजिज अब्सन लेयर टू लेयर एडसॉर्प्शन हम कितना केमिज अब्सनटा केस कौन हम तुम मोनो लेयर एडसॉर्प्शन हम मैंने केमिज अब्सन कौन गोटे सिंगल लेयर एडसॉर्प्शन हो बुझा गला मनकर तुम आर्जरबेंट्र सरफेस तो तुम थर्टे तुम आर्जरबेंट मलिकुलटा आर्जर्व होगा बुझे तो तुम सरफेसटा कभर हो गला बुझे ना सरफेसटा थे कभर हो गला तो ये कौन सिंगल लेयर ही फॉर्मेशन है कले आउ आर्जर्व हम ना सरफेसटा केमिजर्प्शन केस सरफेसटा थे कभर है मैंने कौन आउ आर्जर्प्शन हम ना तो लिख इट इनवल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर इट इनवल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर माने सिंगल लेयर फॉर्मेशन हम मोनोलेयर नेक्स्ट सात नंबर पॉइंट देख इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर फिजिज अब्सनटा कौन
इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. केमिज ऑप्शन टा कोन हबो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. तो फिजिज ऑप्शन रे केस रे कोन कोजी कोन फिजिज ऑप्शन किछि गुटे निर्दिष्ट गुण न थाए किंतु केमिज ऑप्शन रो गुटे पर्टिकुलर बा निर्दिष्ट गुण थाए. कोन पे देखो फॉर एग्जांपल आडजर्ब मन कर गोटे सरफेस अछि तमरो वाटर डा कंडेंस हेगी तमरो ए सरफेस ऊपर आडजर्ब हेगला. क्लियर त मु पुनी कोन कली आडजर्ब वाटर डा सरफेस ऊपर आडजर्ब हेगला मु पुनी हीट देली. हीट देली माने कोन पुनी वाटर डा रिमूव हेला ऑटोमेटिक. बुझा पड़े ना तरह किसी निर्दिष्ट गुण रोज निर्दिष्ट गुण रोनी किंतु तुम केमिज ऑप्शन केस रे कौन हम तो सी कहे स्पेसिफिक गुण मैंने गोटे किसी निर्दिष्ट गुण थी तो केमिज ऑप्शन रे थोड़े आडजर्ब हो गला मैंने आडजर्ब एंड सरफेस थोड़े आडजर्ब हो गला मैंने तुम कौन हेडू रिमूव कर भारी कौन क्रिटिकल हो तो से कहे केमिज ऑप्शन से हम जिते कि तुम कौन कौन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर पॉसिबिलिटी थी तो से कोई जिते कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हम से ही केमिज ऑप्शन हम ना अदर केस रे केमिज ऑप्शन हम ना मन रहा तो केमिज ऑप्शन केस रे जिते कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर चांस थी पॉसिबिलिटी थी से ही केमिज ऑप्शन हम. क्लियर तो यह सात नंबर पॉइंट गला. आठ नंबर पॉइंट अच्छी इट अकर्स आट लो टेम्परेचर. तो तुम फिजिक्स ऑप्शन टा लो टेम्परेचर इट अकर्स इट टेक्स प्लेस लिख पार इट अकर्स आट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर एटा इट अकर्स आट हाई टेम्परेचर. इट अकर्स आट हाई टेम्परेचर. इट अकर्स आट हाई टेम्परेचर. तुम फिजिक्स ऑप्शन टा कौन लो टेम्परेचर हम कौन लो टेम्परेचर तुम मन को नॉर्मली सरफेस ऊपर वाटर डा आडजर्ब हो तो तुम कौन नॉर्मल टेम्परेचर वाटर डा आडजर्ब हो तो लो टेम्परेचर फिजिक्स ऑप्शन टा हूँ हाई टेम्परेचर तुम कौन केमिज ऑप्शन टा हो. क्लियर बामी जापर जेहतु फोर्स अफ आट्राक्शन टा यार विक् फिजिक्स ऑप्शन केस फोर्स अफ आट्राक्शन टा विक् मैंने कम टेम्परेचर देखे ब्रेकडाउन हो. केमिज ऑप्शन केस कौन फोर्स अफ आट्राक्शन टा स्ट्रंग हाई टेम्परेचर देते बॉन्ड ब्रेक हम. क्लियर तापर सात आठ नंबर पॉइंट गला. नेक्स्ट एग्जांपल देखो एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन आठ नंबर पॉइंट नौ नंबर पॉइंट एग्जांपल. तो एग्जांपल देखो एडसॉर्प्शन ऑफ गैस एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. एडसॉर्प्शन ऑफ गैस एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. तो यहाँ यार मान बुझ तो से कहते चारकोल रो सरफेस ऊपर चारकोल माने कौन तुम नॉर्मली कोयला कोयला रो सरफेस ऊपर कौन गैस गुड़ाक तुम कौन एडसॉर्ब हो बुझा दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिक्स ऑप्शन. तो देख नॉर्मली जिते तुम देख माइंस एरिया जिते माइंस एरिया कोल माइंस हो तुम जो माइंस एरिया जिते भी देखु तो माइंस एरिया जो मैंने काम करते कौन गोटे कौन गैस मास्क यूज करते गैस मास्क गोटे यूज करते मास्क कौन थी तो तुम माइंस एरिया मैंने कौन पल्यूटेड एयर थी पल्यूटेड एयर थी मैंने कौन पल्यूटेड गैस ही अच्छी तो पल्यूटेड गैस जहाँ भी कंटाक्ट आसो ना तो तुम जब मास्क यूज कर गोटे मास्क यूज कर से मास्क तुम कौन थाए मास्क सरफेस ऊपर गोटे चारकोल रोटे लेयर थाए मास्क सरफेस ऊपर कौन गोटे चारकोल लेयर थाए तो जो तुम आसो जो पल्यूटांट गुड़ाक आसो बुझिपाल जो पॉइजनस गैस गुड़ाक आसो तो कौन कर चारकोल सरफेस ऊपर एडजर्ब हो जो कौन तुम कौन भितर पशिपर बुझिपाल ना बुझिपाल तो जेहतु तुम आक्टिवेटेड चारकोलटा तुम पल्यूटांट गैस गुड़ाक एडजर्ब कर दौर तो से तुम कौन आउ गैसटा तुम कौन पशि पारे. क्लियर तो माइंस एरिया तुम कौन यूज करती कौन गैस मास्क तुम कौन आक्टिवेटेड चारकोल यूज कराए कौन जो सी कौन आक्टिवेटेड चारकोल गैस गुड़ा कौन एडजर्ब कर तो ये तुम कौन ये किसी बॉन्ड फॉर्मेशन करनी जो आक्टिवेटेड चारकोल सरफेस ऊपर गैस गुड़ाक जो एडजर्ब हो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन करना से कौन फिजिक्स ऑप्शन. क्लियर तापर केमिकल केमिकल एडजर्प्शन केस देख एग्जांपल एडजर्प्शन ऑफ एडजर्प्शन ऑफ एडजर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एडजर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ
hydrogen gas on the surface of nickel, platinum, palladium. तो केमी जल्सन गैस रे कौन होजी तो तमरो निकेल निकेल प्लैटिनम पैलाडियम एगुडा कौन मेटल तो मेटल रो सरफेस ऊपर कौन हाइड्रोजन गैस टा अड्सॉर्ब होजी तो एटा हो माने कौन दैट इज योर केमी जल्सन एटा कौन होजी एटा मान करो फॉर एग्जांपल निकेल तो निकेल रो सरफेस एडा अछि तो निकेल रो सरफेस ऊपर हाइड्रोजन गैस टा अड्सॉर्ब होजी तो जत्ते बेले अड्सॉर्ब होजी एत्ते बेले कौन निकेल आ हाइड्रोजन गैस भीतर कौन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होजी बुझबेलो तो जेहेतु एडा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होजी दैट इज योर केमी जल्सन क्लियर से प्लैटिनम मेटल सरफेस पैलाडियम मेटल सरफेस ऊपर कौन हाइड्रोजन गैस टा तुम कौन अड्सॉर्ब हो जाए दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए आउ एग्जांपल भी तुम्हें कही पार केमी जल्सन अलग एग्जांपल हम जिते तुम ऑक्सीजन जिते तुम ऑक्सीजन गैस टा रिएक्शन कर नोबेल मेटाल सहित रिएक्शन कर सहित नोबेल मेटाल नोबेल मेटाल मीन्स तुम सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम ताक सहित जो रिएक्शन कर कौन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर तो जिते नोबेल मेटाल सहित ऑक्सीजन टा रिएक्शन कर ऑक्साइड फॉर्मेशन कर कौन हो तुम बॉन्ड फॉर्मेशन हो आउ एग्जांपल तुम हो पार फॉर एग्जांपल तुम कौन गोटे चारकोल बुझल चारकोल गोटे चारकोल सरफेस ऊपर तुम एटॉमिक ऑक्सीजन टा अड्सॉर्ब हो जाए यहाँ मन कर चारकोल सरफेस अच्छी बुझे चारकोल सरफेस अच्छी तो कौन आटोमिक ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन आटम तो हाफ ओ टू हाफ ओ टू हेल्ले कौन ऑक्सीजन आटम तो जिते बड़े चारकोल सरफेस ऊपर आटोमिक ऑक्सीजन टा अड्सॉर्ब हो जाए से कौन फॉर्मेशन कर हाफ हाफ गोटा सीओ कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन हो गला क्लियर तो यहाँ लेट यहाँ तुम एक्टिवेटेड चारकोल चलो एक्टिवेट तो चारकोल आ एक्टिवेटेड चारकोल मान डिफरेंस कौन चारकोल मान तुम नॉर्मल जो कोयला देखु एक्टिवेटेड चारकोल मान तुम चारकोल टाक हिट कलापर चारकोल टाक हिट कलापर तुम कौन चारकोल टाक हिट कलापर कौन जो जो प्रोडक्ट बाहर दैट इज योर एक्टिवेटेड चारकोल जोड़ा तुम कौन अंगार तो यहाँ मन कर भाव चारकोल सरफेस अच्छी यहाँ तुम देखिए सरफेस अफ चारकोल चारकोल सरफेस तो ये कौन आटोमिक ऑक्सीजन टा ये तुम कौन अड्सॉर्ब है तो अड्सॉर्ब है मैंने कौन एटा कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन है कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन है क्लियर तो तुम जो चाहब अड्सॉर्बेंट तुम किए रहा चारकोल अड्सॉर्बेंट किए रहा आटोमिक ऑक्सीजन तो तुम जो चाहिए दुईटा को सेपरेट करने अड्सॉर्बेंट टू अड्सॉर्बेंट को सेपरेट करने चाहिए तुम सेपरेट करते तुम आउ ऑक्सीजन रिमूव होनी आउ बुझा ना जमी कार्बन सरफेस ऊपर ऑक्सीजन अप्लाई कर तो ऑक्सीजन आज से रिमूव हम ना कि फिजिक्स ऑप्शन रिमूव हो जेहतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग तो ये कौन ऑक्सीजन रिमूव होनी जदि रिमूव हम रिमूव तो हमने जदि रिमूव हम कार्बन मोनोक्साइड ही बाहर बुझिपाल बुझिपाली तो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन कर दे तो जदि भी मान कौन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अप्लाई करी जदि भी आम काढ़ बोले अड्सॉर्बेंट अड्सॉर्बेंट को अलग करा से तुम कौन ऑक्सीजन रिलीज होनी ऑक्सीजन बाहर कार्बन मोनोक्साइड ही बाहर जेहे तुम ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमी जल्सन तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स जल्सन एंड केमी जल्सन।